हेलो यो आर्मी। तो फाइनली यहाँ पर गाइस बहुत सारी न्यूज़ निकल करके आई है आप सभी के लिए। बहुत सारी जो न्यूज़ है वो कवर करेंगे। यहाँ पर जो है योयो पाजी जो है लंदन पहुँच चुके हैं और लंदन में उनका यहाँ पर कुछ स्टोरीज भी आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो है पाजी का जो अगर आप बालों का कलर देखेंगे जो हेयर कलर है वो यहाँ पर जो वाइट से जो है ब्लैक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या योयो पाजी फिर से अपने ओल्ड लुक में आने वाले हैं या फिर जो अभी न्यू लुक उन्होंने कंटिन्यू किया था वो रहेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वहीं सबसे अच्छी खबर यहाँ पर ये निकल करके आई कि पाजी के 70 मिलियन से ज़्यादा जो स्ट्रीम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं मिलियनेयर ग्लोरी एल्बम के। तो ग्लोरी एल्बम जो है पूरा तहलका और धूम तो मचा रहा है। आपको कितना दिन में लगता है कि ये जो है 100 मिलियन होने वाला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वहीं अगले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लैम्बोर्गिनी की जो सिंगर थी उनका यहाँ पर कुछ इंटरव्यू आया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कितना फ़ायदा उनको हुआ है। यहाँ पर जो बादशाह और रफ्तार और यहाँ पर पाजी की जो लड़ाई है उसके बीच इन्हें जो गेन मिला है, इन्हें जो सब्सक्राइबर गेन फॉलोअर गेन्स मिला है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इनका अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा चीज़ें पता चल जाएगी। उन्होंने लिखा आई एम सॉरी, इट्स वेरी स्वीट कि इतना बड़ा आर्टिस्ट पब्लिकली ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म सॉरी लिख रहे हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द इंडस्ट्रीज फॉल्ट। इट्स रियली रियली स्वीट ऑफ हिम। That's the greatness of Honey Singh. आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई का फायदा हो गया। It's true, क्योंकि हनी सिंह के फैंस मेरे पास आ रहे हैं। It's like वो मेरी टीम बन गई है। हाँ। हनी सिंह ने मेरे को सपोर्ट कर दिया तो उनकी पूरी फैन फॉलोइंग इज देयर एवरीवेयर मैन। उनके फैंस ने इंस्टाग्राम पे भी लिखा है कि आपका कम बैक करा दिया हनी सिंह ने। आपका कम बैक हो गया। बात तो है। बिल्कुल।